आज विश्व कप शतरंज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत के 18 साल के प्रज्ञा नंदा और उनके सामने होंगे 5 बार के विश्व विजेता, विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। एक तरफ युवा खिलाड़ी, युवा जोश, दूसरी तरफ अनुभव का भंडार। कौन जीतेगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं। कार्लसन जिनके खाते में सब कुछ आया, लेकिन विश्व कप का खिताब आज तक नहीं आया, विश्व कप की ट्रॉफी वो आज तक नहीं जीत पाए, और इस बात का मलाल उन्हें हमेशा रहता है, और आज वो इसे पूरा करना चाहेंगे। तो क्या वो अपना जो सारा खिताब का खजाना है उसमें जो एक ट्रॉफी की कमी है क्या उसको पूरा कर पाएंगे, या उनके इस सपने को तोड़ करके भारत का 18 साल का ये युवा खिलाड़ी प्रज्ञा नंदा जो है वो एक नए युग की शुरुआत कर देगा, एक नया इतिहास रच देगा। कैसे खेला जाएगा आज का टाई ब्रेक मुकाबला, क्या होगा, किसका पलड़ा भारी है टाई ब्रेक के मुकाबलों में, इस टूर्नामेंट में किसका प्रदर्शन कैसा रहा है टाई ब्रेक में, आइए जानते हैं इस वीडियो से। नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल भारत का चंद्रयान जो है वो चंद्रमा में पहुंच गया, और आज उसके अंदर से प्रज्ञान जो है रोवर एक वो बाहर आ गया है जो जानकारी एकत्रित करेगा। ठीक इसी तरह भारत के प्रज्ञा नंदा जो है वो टाई ब्रेक में पहुंच गए हैं, और अब आज ये तय हो जाएगा कि कौन चैंपियन बनेगा, मैग्नस कार्लसन या फिर प्रज्ञा नंदा। कार्लसन ने खुद कहा है कि प्रज्ञा नंदा ने काफी कड़े टाई ब्रेक मुकाबले खेले हैं, इसीलिए बहुत संभव है कि उनकी तैयारी अच्छी है और उनके पास अच्छे चांसेस होंगे, लेकिन अगर मैं अपनी लय में रहा तो मेरे पास भी चांसेस होंगे। तो खैर देखा जाएगा क्या होगा। आपको बता देते हैं फिलहाल की टाई ब्रेक किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि 25-25 मिनट प्लस 10 सेकंड के प्रति खिलाड़ी के दो रैपिड मुकाबले खेले जाएंगे। अगर इसमें परिणाम आ गया तो टाई ब्रेक यहीं पर रुक जाएगा, नहीं आया तो इसके बाद 10 मिनट प्लस 10 सेकंड के दो और रैपिड मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें भी परिणाम आ गया तो टाई ब्रेक रुक जाएगा, नहीं तो टाई ब्रेक चलता रहेगा और इसके बाद अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा 5+2 ब्लिट्स मुकाबलों का। तो ब्लिट्स के मुकाबले होंगे और ये भी दो मुकाबले होंगे। इसमें भी परिणाम नहीं आता है तो 3+2 का एक ब्लिट्स मुकाबला होगा, और अगर मान लीजिए कि ये भी ड्रॉ हो जाता है तो तब तक ये 3+2 का मुकाबला होता रहेगा जब तक कि कोई एक जो है जीत नहीं जाता। तो ये है टाई ब्रेक का पूरा सिस्टम। अब देखने वाली बात ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखें तो मैग्नस कार्लसन ने सिर्फ एक टाई ब्रेक खेला है जर्मनी के विंसेंट केमर के खिलाफ, जो उन्होंने 2.5-1.5 से जीता था। बात जो है वो ब्लिट्स तक गई नहीं थी, रैपिड में ही बात खत्म हो गई थी। ठीक है, दूसरे रैपिड सेक्शन में कार्लसन जीत गए। जबकि अगर आप बात करेंगे प्रज्ञा नंदा की, तो प्रज्ञा नंदा ने सबसे पहले तो नाकामुरा को हराया रैपिड में 2-0 से। उसके बाद उन्होंने अर्जुन इरगासी को एक लंबे टाई ब्रेक में, ब्लिट्स वाले टाई ब्रेक में हराया, आपको याद होगा। और उसके बाद उन्होंने अब करुआना को भी टाई ब्रेक में हरा दिया, रैपिड टाई ब्रेक में हराया है। तो कुल मिला के देखें तो तैयारी के मामले में इस विश्व कप में पर्टिकुलरली ऑन द बोर्ड प्रज्ञा नंदा की तैयारी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कार्लसन। लेकिन देखेंगे कि क्या होगा, आज इतिहास जो है वो किसको कवर करता है, किसके पक्ष में जाता है, बहुत कुछ निर्भर करेगा गेम के अलावा कौन कितनी जो है नर्व्स अपनी कंट्रोल में रखता है। जहां तक अभी तक देखें तो प्रज्ञा नंदा बहुत शांत दिखे हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें अनुभव की थोड़ी भी कमी है, बहुत ही शांत सौम्य रहे हैं मैच जीतने के बाद भी। कार्लसन के पास अपार अनुभव है, लेकिन प्रज्ञा नंदा के पास भी आज अपने चांस रहेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है आज के विश्व कप फाइनल में कौन जीतेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।